यार ये इमन रोल्स बड़े खतरनाक करते हैं मनीप, जो है आजकल भी इनका जो एक कैरेक्टर है सुल्तान, वो कभी कभी देख के लगता है कि हमने इतना देखा है इनको इसी रोल में कि लगता है कि शायद मुनीब असल में भी शायद कोई ऐसा ही होगा सुल्तान टाइप। दो ड्रामे मेरे, एक कैसा नसीबा और उसके बाद ये शिद्दत। लेकिन सर अब वो राबा दोनों बच्चा चल गए था। तो मैं हाँ क्या वो चल जाते वो हैं। हाँ चल जाते चल ना ऐसे जाते ड्रामे में क्या हैं। करूँगा। एक उसके अलावा बताएं, मैंने कहाँ कभी मैंने किसी खूबसूरत लड़की पर हाथ उठाया बताएं, कभी आपने मुझे ऐसे मंजर में रियल देखा? लाइफ में रियल लाइफ में नहीं, ड्रामा एक कैसा कि नसीबा में किया था यार, उसके हाँ बाद तो कभी भी नहीं नहीं गया। क्या कैसा नसीबा, मैं तो हाथ नहीं उठाया था, भुड़कस ने काम किया था उस हाँ बेचारी लेकिन का, हाँ वो फेंका आप ये देखें कि था। कैसा नसीबा, जो ड्रामा था उसका फर्स्ट एपिसोड जो था वो हाईएस्ट वॉच्ड हाँ एपिसोड हाँ था पूरे पाक, फर्स्ट एपिसोड जिसकी सबसे ज्यादा रेटिंग आई थी, इतने क्या लोगों ने वजह देखा था। थी, क्या व्हाट डू यू थिंक, ये क्या मुझे वजह लगता थी? है वजह शायद ये थी कि काफी टाइम से एआरवाई की स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर की जो स्क्रीन थी ना वो नहीं आई थी, और एक जैसी स्क्रीन चल रही थी, तो लोगों ने जब देखा ना कि मलेशिया, और मलेशिया वगैरह इतना नहीं मुझे खूबसूरत लगता है शूट कि हुआ था। औरतों का रोना लेकिन इवन ये पहले और एपिसोड में, अब्यूज को लोग ज्यादा पहले देखते हैं, यही एपिसोड यही में ऐसा कुछ भी नहीं था पहले लेकिन एपिसोड में, मुनीप प्रोमोस लेकिन यार तो देखे पहला ना, एपिसोड वाज प्रोमोस ब्यूटीफुल मुनीप यार। यार प्रोमो में ही उसके नील शील पड़ प्रोमो जाते हैं, खून था, छू लेकिन आप उसकी निकल स्टोरी देखे ना, वो स्टोरी बहुत डिफरेंट है, वो एक नॉर्मल वो नहीं थी कि कन्वेंशनल स्टोरी नहीं थी एक, और वो आता है। आपको पता है कैसा नसीबा, एमन कर रही थी। मैं मतलब मेरा स्क्रिप्ट कॉन्ट्रैक्ट सब हो गया था, आई वाज हाँ डूइंग इट। लेकिन ना जब हमारी शादी बिल्कुल करीब आई ना, तो आई वाज डिस्कसिंग इट विद यू नो माय फ्रेंड्स, एंड दे वर लाइक यार इमन मुनीप के साथ अगर तुमने अभी कर लिया है प्रोजेक्ट, बिल्कुल शादी 1 महीने बाद तो है, ये तो और मतलब है। वो तो शादी के फिर बाद भी उसकी काफी सारी जो शूट थी ना वो पैच वर्क उसका रहता। आई थिंक ऐसा मुझे फील हो रहा था कि लोगों को लगेगा कि लोग ना टीवी को देख के समझते हैं कि ये रियल लाइफ है, ठीक एब्सोल्युटली, है। बिल्कुल और बिल्कुल। लिटरली प्रोजेक्ट के ऑनर होने के बाद भी आंटीज बाहर मुझसे क्वेश्चन करती थी कि आपका हस्बैंड ऐसा है, तो मे बी हमारा उस वक्त इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का मकसद यही था कि यू नो ये हमारे बीच में एक एक बिल्कुल चीज़ को क्रिएट बिल्कुल, करेगा कि लोगों जबकि के उल्टा पास था एक ऐसा, एक बैड ये मैंने सुना इम्प्रेशन है आपने कहा है जाएगा, कि हाँ बैड इम्प्रेशन जाएगा ना उल्टा कि था। न्यूली उल्टा क्या मैरिड मतलब? हुए। कैसा नसीबा के अंदर तो मैं जुर्म कर रहा होता था ना, उसके बाद मैं असल लाइफ में मैं बड़ा मजलूम हूँ आपको पता है मैं लोग पीछे से मुनीम को बोलते थे कि तुम करते तो नहीं हो ना ऐसा मुनीम, हाँ कबर का हाल तो मुर्दा ही ये जानते। तो कोई सही और कोई बात हस्बैंड है। है आप मुझे बताएं, हाँ बेचारे कितने शरीफ होते हैं यार शोहर। खुदा का खौफ करो यार देखें जी हम तो बोलते ही नहीं है आगे यार, कैसे हम तो वो नहीं हैं कुछ भाई, नहीं वाइफ इज बोलते, ऑलवेज लेकिन हमारे राइट। कुछ बोलते भी हैं, मतलब है कि अच्छा वैसे बोलते भी हैं, ऐसी भी बातें मेरे तो हैं, हल्का है भाव में सारे, तो मैंने माशाल्लाह अपने जैसे ही देखे हैं अच्छी बात दोस्त। है, ये तो अच्छी बात है कि ऐसे देखे हैं। मगर मैं आई वॉज अ फैन के जब सर रहा आपने किया ना, वो रोल बहुत ज़बरदस्त था, बहुत हटके था, मगर ऐसे रोल कम होते हैं मेरे ख्याल है ना, ऐसे रोल्स कम होते हैं। तो एनीवे गाइस, ये लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन थी, ज़्यादा हैवी तो नहीं हुई मेरे ख्याल है, नहीं अच्छी लाइट और मज़े की रही। और अब मेरे ख्याल है 7 ईयर एज से पहले पेरेंटिंग 101 फुल फ्लेज जारी है। आप लोग सोशल मीडिया स्टार्स भी हो, मतलब अपना करियर तो है, वो है, तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि क्या कभी मुश्किल लगता है कि यार हमारी हर चीज़ लोग स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं हमें हर वक्त, हमारी रिलेशनशिप, शादी, बच्चे, या अब इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। और दूसरा सवाल ये बच्चों को लेके कि मैंने नोटिस किया है कि अमल का अभी कोई अकाउंट नहीं है इंस्टाग्राम पे, लेकिन फ़ैन पेजेस बने हुए हैं। सो आप लोगों की क्या पॉलिसी है कि बच्चों को डालना है बिकॉज़ बच्चों पे बहुत व्यूज़ आते हैं, या नहीं करना? आई थिंक अमल को हम हमारा इसमें कोई मतलब हम उसे जान के नहीं करते कि उसके लिए व्यूज़ आए, शी इज़ अ पार्ट हाँ ऑफ आर लाइफ, बिल्कुल। तो इट्स माई इंस्टाग्राम और या यूट्यूब, वो हमारा बड़ा एक पर्सनल चीज़ है, तो आई थिंक पीपल लव टू सी हर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ और कि बड़ा नेचुरल है अमल बहुत को जो उसको देख रहे पसंद हैं, करते हैं, और मगर उसके ऐसा नहीं कि इतने आप उसको यूज कर रहे हो फॉर नहीं वो, नहीं नहीं ऐसा है। बिल्कुल भी नहीं हाँ है नो। और मैं आपको आई डोंट बताता थिंक सो, क्या ऐसा कभी हमने सोचा भी है कि यू नो हूँ सोशल देखिए सोशल मीडिया के फायदे बताऊँ। हैं या नुकसान है, मतलब वो है। आई थिंक फवायद भी हैं और नुकसान भी हैं, क्योंकि कभी कभार वो चाहती है कि यू नो जब अब वो इतनी माशाल्लाह एक तो क्यूट भी है, ऊपर से हाँ फेमस भी है, तो उसको ना हाँ ये चीज़ें बहुत बाहर हमारे साथ साथ फेस करनी पड़ती हैं। हम कहीं जाते हैं तो लोग उसको, जब वैसे तो वो बहुत फ्रेंडली है, वो सबसे मिलती है, उसको पता है मेरे साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, बट कभी कभी वो नहीं चाह रही होती है, एंड देन यू नो लोग आते हैं और ऐसे पकड़ लेते हैं और प्यार करते हैं, सो अरे बच्चा हाथ कभी तो नहीं लगाना कभी चाहिए बच्चों को कभी भी कभी वैसे थोड़ा सोशल चाहिए, डिस्टर्ब उनको हो जाता प्लीज है, एंड हाथ ना देन वो लगाएं। कहती है हाँ मम्मा प्लीज आई डोंट वांट पिक्चर्स, हाँ तो तब मुझे फील होता है कि यार यू नो हमारा एक पर्सनल स्पेस नहीं है। आई मीन हम शॉपिंग पे नहीं जा सकते, हम किसी रेस्टोरेंट्स में आराम से चलो, कि आप सोचते ना कि आप कहीं जाओ, कभी बर्न्स रोड चले जाएं, कभी कहीं चले जाएं, हम कभी प्लान नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें। अच्छा सोशल मीडिया की आपने बात की, जी पर्सनल लाइफ जो है वो सोशल मीडिया पे उसका क्या प्रेशर होता है?
देखें ये सिर्फ हम, ये हमारे हाथ में कि हम कितना पार्ट जो है वो अपनी जिंदगी का सोशल मीडिया पे जो है वो पोस्ट करते हैं। बहुत सी ऐसी जिंदगी है या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि यार ये चीज मैंने नहीं डालनी। मतलब ये कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी भी हमने प्राइवेट रखी हुई है, मतलब मैं अपने बेडरूम के अंदर नहीं लेकर आता कैमरा, मैं अपने बहुत से ऐसे घर की मुख्तलिफ वो हैं जहाँ पे मैं नहीं लेके जाता कैमरा। अगर मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं मेरी उसके अंदर जो है वो मेरी अम्मी को जो है वो कैमरा नहीं इतना जो है वो लाइक करती, तो मैंने आज तक कभी अपनी अम्मी को शूट नहीं किया ना, मैंने अपनी जो भाभी है वो भी इतना नहीं ज्यादा पसंद करती, तो मैंने उनको भी शूट नहीं किया। मैंने अपने वालिद साहब को भी कभी जो है वो शूट नहीं किया क्योंकि वो मेरे घर वाले जो है वो उससे कंफर्टेबल नहीं है, व्हिच आई रिस्पेक्ट दिस थिंग। तो हम उतना ही पार्ट दिखाते हैं जितने में हम दिखाना चाहते हैं, जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। एक बाउंड्री हमने सेट की हुई है कि यार इससे ज्यादा हमने जो है ना अपनी जिंदगी सोशल मीडिया पे नहीं दिखानी, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं अमल के ऊपर। अमल के साथ सिलसिला ये है कि अब अमल जो है, जैसे मैं और ये हम कहीं गए हुए हैं, अमल हमारे साथ है, तो हम काफी हद तक जो है वो हम अगर कोशिश भी करते हैं ना उसको कि हम कवर रखें या छुपाएं, तो वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके उससे प्यार मोहब्बत में कर लेता है जो हम नहीं जो है वो रेजिस्ट कर पाते उस चीज के ऊपर। मिरल जो है, मिरल की अभी तक हमने कोई पिक्चर अपलोड नहीं की। शायद 4 साल पहले जब अमल पैदा हुई थी तो हमारी सोच डिफरेंट थी। तजर्बे के हिसाब से, एक्सपीरियंसेस जब इंसान के होते हैं तो इंसान की सोच बदलती है। अब हमारी सोच जो है वो बदल चुकी है। अब हम चाहते हैं कि यार हम अपनी जो छोटी बेटी है सेकंड मिरल है, उसको हम ज्यादा जो है वो लोगों, क्योंकि हमने देख लिया अमल की टाइम पे कि क्योंकि अमल अब ऐसी हो गई है कि कोई अगर उससे मिलने आता तो वो चिड़चिड़ी हो जाती है क्योंकि वो एक बच्ची है। हम इस चीज को फेस कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि यार ये हमारे फैंस हमसे प्यार करते हैं, ये प्यार में कर रहे हैं, वो इस चीज को नहीं समझते। शी इज टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मिरल की वक्त में हमने उसको थोड़ा बहुत समझदारी से उसको देखा है, अभी तक हमने उसको सोशल मीडिया पे कहीं पे भी उसकी तस्वीर नहीं हमने लगाई है। सो ये है लिव एंड लर्न, बिल्कुल लर्निंग कर्व है सबके लिए। यंग पेरेंट्स के लिए आप लोगों की क्या एडवाइस है? यंग पेरेंट्स के लिए, यंग पेरेंट्स के लिए जो है वो एडवाइस, एक तो एक ये यंग पेरेंट्स जो है वो बहुत जरूरी है। पहले एक तो पर्सनल सवाल पूछूंगी कि डिड यू प्लान के इतनी जल्दी बेबीज हो जाएं या अल्लाह की तरफ से हो गए बस? होता तो अल्लाह की तरफ से ही है लेकिन बंदे का भी अमल दखल होता है। होती तो सारी चीज अल्लाह ताला की तरफ से ही है। हां लेकिन डिड यू वांट, लाइक क्योंकि कई लोग होते हैं इतनी जल्दी जब शादी होती है, अर्ली होती है, तो दे वेट 5 साल बाद। जल्दी शादी हमारी सही टाइम पे तो हुई है क्या? नहीं तुम्हारी सही थी, वो तो बहुत छोटी थी भाई। अब आप मान ले इस बात को, कितने साल की होती है? मैं 25 नहीं, मैं 26 साल का था। 26 साल मुनासिब एज है तुम्हारी, है ना? और एमन कितने साल की थी? 20 साल की थी। तो यार मुझे लगता है मेरी एज बहुत कम थी जब मेरी शादी हुई। यू थिंक सो? यस। यार मैं आपको बात बताऊं, जब आपको सही पार्टनर मिल जाए ना और आपको सही कंपेनियन मिल जाए और आप सोच रहे हैं कि यार हाँ यही सही बंदा या यही सही बंदी है, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो अगर एक देखें, एक तो बहुत ही छोटी एज है ना, अगर आप एक नॉर्मल एज है लाइक 20 21 22 साल, कोई बहुत छोटी एज नहीं होती लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए।